Hello friends, I am Yogesh Kumar Deshmukh, Assistant Professor, Mechanical Department of Bharati Group of Colleges. Today in Power Plant Engineering, we are going to learn feed water treatment, how the water fed in the boiler is treated. We have a pre-treatment process. In that, sweet water from reservoir, after the water coming to the plant, it is kept in a reservoir. In that, after reservoir, the water is get mixed with disinfectants, then coagulation process, then flocculation process, then sedimentation process, and then filtration process. Then we get the clear water. Now, learning in brief, raw water comes from reservoir. रिजर्वायर से इसे कैस्केड एरिएटर में भेजा जाता है. कैस्केड एरिएटर कुछ नहीं, एक स्टेप टाइप का फाउंटेन है जिसमें एरिएशन एयर्स के प्रेजेंस में उसे ऑक्सीजन मिक्स किया जाता है. उसमें पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलाया जाता है जिसकी वजह से उसमें जितने ऑक्साइड होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और उसको स्टीलिंग चैम्बर में भेजा जाता है. स्टीलिंग चैम्बर में क्लोरीनेशन ऐड करते हैं, क्लोरीन इसमें ऐड करते हैं, फिर वहाँ पर स्टीलिंग चैम्बर पे जो स्लज है वो रिमूव हो जाता है. यहाँ पर क्लोरीन के फॉर्म ऐड से फिर पार्शियल फॉर्म्स में ऐड करते हैं, वहाँ पर इसे मिनरल्स ऐड किए जाते हैं, फिर इसे फ्लैश मिक्सचर टैंक पे भेजा जाता है जहाँ पर एलम, लाइम और पॉलीइलेक्ट्रोलाइट मिक्स किया जाता है क्योंकि इसमें से मिनरल्स हमें रिमूव करने होते हैं. फिर इसे क्लैरीफ्लोक्युलेटर में भेजा जाता है जहाँ पर इसमें स्लज फॉर्मेशन जो होते हैं वो रिमूव किए जाते हैं. ऊपर से नीचे स्लज बैठ जाता है और ऊपर में साफ पानी निकलते जाता है और वो स्लज जो है स्लज सम्प में जाके इकट्ठा हो जाता है. फिर क्लोरीफ्लोक्युलेटर से ये क्लैरिफाइड वाटर स्टोरेज टैंक में चले जाता है. वाटर स्टोरेज टैंक से जहाँ जहाँ इसे भेजना है, जैसे कि CW और ACW मतलब कूलिंग वाटर और एयर कूलिंग वाटर जहाँ पर सप्लाई करते हैं इसे, यहाँ से DM प्लांट जाता है, डीमिनरलाइजेशन प्लांट बोलते हैं इसे. फिर इसे सर्विस वाटर के लिए यूज़ करते हैं और इसके बाद फिर इसे कहाँ भेजते हैं, पोर्टेबल वाटर के लिए भी प्लांट में भेज दिया जाता है. ये था इसका वाटर का ट्रीटमेंट इन पावर प्लांट इंजीनियरिंग. थैंक यू.